सन्यासी भी ये नहीं समझते कि माया पांच विकार है, धन को, स्त्री को, बच्चों को, घर को माया समझ उसका त्याग करके जरूर चले गए, लेकिन वास्तव में माया क्या है? पांच विकार हैं, सिर्फ पवित्र रहते हैं, उनका ड्रामा में ये पार्ट है, उनका है हठ योग संन्यास, और तुम्हारा है राज योग संन्यास। राजाई के लिए हम बाबा से योग लगाते हैं, और उसके लिए देह सहित देह के पुरानी दुनिया और संबंधों से बुद्धि का योग हटाते हैं। तुम्हारा है राज योग संन्यास। वे राज योग तो सिखा नहीं सकते हैं, वे है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं, वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। अगर भगवान पढ़ाएगा तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएगा, अर्थात स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे, वह रचता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगर रहने नहीं देते, माँ बाप की तरफ से या संबंधियों की तरफ से भी या समाज की तरफ से भी कितने विघ्न आते हैं, कन्याओं को भी शादी बिगर रहने नहीं देते। पहले विकारों के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। वो जो पति पत्नी बने हैं, जिन्होंने विकारों के कारण ही हथियाला बांधा और संसार की वृद्धि करने लग गए, वही पति पत्नी ईश्वर के बच्चे बनने पर उस विकारों का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ जाते हैं, पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है। क्या अपनी जांच करनी है सबको कि माया कहां चलाए मान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं? भले मन में संकल्प आते हो, चलो बाबा छुट्टी देते हैं थोड़े क्षण के लिए, मानो मन में तूफान आते भी हैं, परंतु कर्म इंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पा लेंगे। साकार सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची गई, तो हम ब्रह्मा की संतान भाई और बहने हैं। शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। अगर ये संबंध याद रखे तो बाबा ने कहा आग नहीं लगेगी, और नहीं तो आग लगी तो अधो गति को पा लेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, और तुम्हारा यादगार भी यहां है, अदर कुमारी का मंदिर भी है ना, माउंट आबू में जाओ कुवारी कन्या भी है,
तो अदर कुमारी भी है, ये यादगार मंदिर भी तो यहाँ है ना। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अदर कुमारी कहा जाता है, क्योंकि कुमारी से भिकारी बनी और विकारी से पुनः निर्विकारी बनती है तो उसे अदर कुमारी की संज्ञा दी गई है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, कोई भी इस बात जो शिव बाबा बताते हैं वो किसी को भी समझाई जा सकती है। बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं डिबेट में नहीं जाओ, क्योंकि शुरू शुरू में कई लोगों ने बहुत डिबेट करनी शुरू की कि ब्रह्मा कुमारी शास्त्रों के विपरीत बातें सुनाते हैं, और यहाँ तक इनवाइट करते थे कि आप मैदान में आइए और हमसे शास्त्रवाद कीजिए। कुछ दिन हुए बाबा के महावाक्य हम सब ने सुने कि बच्चे तुम्हें कोई जरूरत नहीं डिबेट में जाने की, उनका मार्ग अलग है, वो अपने मार्ग में चल रहे हैं, हमारा मार्ग अलग है, हम अपने मार्ग में चल रहे हैं। किसी को किसी के मार्ग से हटाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, जो जिस मार्ग में चलता है वो चल रहा है। तो एक बार की बात हमको याद आई, शुरू शुरू में तो बहुत कुछ हुआ, तो मेरठ में एक बार बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई थी, तो एक ग्रुप बनकर आ गया और ये कहने लगा कि ये सब चित्र शास्त्र विपरीत हैं, इन्हें उठा दिया जाए। और मालूम था कि कभी भी ऐसा ग्रुप कहीं भी आ सकता है, और बाबा ने खास कहा था उस समय कि एग्जीबिशन करो तो पहले इंश्योरेंस करा लो, क्योंकि कोई भी नुकसान अपनी अविद्या के कारण कर सकता है। सबको ये कहा गया था, कोई भी बोले नहीं। अगर कोई ऐसे लोग आकर ये बोले कि शास्त्रानुकूल नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर ज्ञान है, वो नहीं जानते इन्हें ज्ञान देने वाला दाता कौन है, इसलिए सब शांत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, ना बोलो ना उनको समझाओ। तो ऐसा ही हुआ कि लगभग 100 भाई बहन, 100 से थोड़े ज़्यादा ही होंगे, जो ग्रुप समझाने के लिए पहुँचे हुए थे, और वो बड़ा ग्रुप आ गया और ये बोलने लगा कि शास्त्रवाद कीजिए हमसे। सभी भाई बहने बाबा की याद में जहाँ जहाँ थे वहीं वहीं बैठ ईश्वरीय याद की मस्ती में मस्त हो गए। अब सोचिए बोलने वाला कब तक बोलेगा। यही कहने लगे, ब्रह्मा कुमारी हो नीचे आओ, कहाँ चली गई हो, कहाँ पहुँच गई हो। अब वो पहुँच गई थी अपने बाबा के पास। अब उनके कहने से तो कोई नीचे आने का सवाल नहीं होता है, आकर बोल के चले गए। तो बाबा हमेशा कहता है डिबेट नहीं किसी से करो, आप सत्यता बताओ जरूर, माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो वो मालिक है। बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा, अगर कोई पात्र होगा और समझने का इच्छुक होगा, जिज्ञासु होगा, वह तो अकेला आकर भी प्रेम से समझेगा। और कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे जो मजाक का रूप ले लेंगे। इसलिए नब्ज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा है पात्र को दान देना है, जो उस बात को ग्रहण करने के भावनाओं को लिए हुए हैं उसे अवश्य ज्ञान दो। लेकिन अगर कोई कुपात्र है, ज्ञान लेने नहीं आया,
किसी अन्य भावनाओं से आया है तो उसे ज्ञान उस समय देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल तो उनका भी प्रभाव बहुत है, तुम्हारे में भी, जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनके मेहमान से औरों के भी मेहमान निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। मेहनत जरूर करनी है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है, तो कोई हरिद्वार आदि चले जाते हैं, वहां कोई गुरु कर लेते हैं, यहाँ की रस्म ही निराली है। इनका कहीं वर्णन है ही नहीं, गीता को ही झूठा बना दिया। ये पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाए। कैसे गीता स्वयं सर्वशक्तिवान के महावाक्य हैं, ये बात स्पष्ट हो जाए तो बहुत नामी ग्रामी हो जाओ, सब तुम्हारे पर सदके जाए। प्रभाव निकलना तो है ना। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं, बाहर के तो पीछे, घर के जिनकी मान्यताएं मेल नहीं खाती पहले वही ऑपोजिशन करते हैं, वही दुश्मन बनते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने, साकार बाबा को भी कितना अपने परिवार का भी सामना करना पड़ा, समाज का भी सामना करना पड़ा। कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था, कितने कलंक लगाए हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस नहीं हो सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वे खुश होते हैं। यहां तुम जानते हो, कोटों में कोई ही निकलेगा। सन्यासी तो ये सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे भी देंगे, और तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा ले ले रहे, तो कितना अंतर है इस बात में। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, जो देवता घराने की आत्माएं अपने बच्चे, बाबा कह रहा है, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो निकलेंगे। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं ये हमारे धर्म का, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो झगड़ने के लिए या ये कहने के लिए कि आपने हमारे इस डिसाइपल को अपना क्यों बना लिया, तो बाबा कहते हैं इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है।
भले कोई लिख कर भी देते हैं कि बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है, निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा। लिख कर दे दिया, बाबा कहते निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा। भले कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं, ऐसे बाप से मिलने के लिए तड़प उठे। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, शाहूकार कोई बिरला ही निकलता है, वो कोई बिरला ही निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो ये राजयोग की पाठशाला है, जैसे डॉक्टरी योग वैसे ये राजयोग। डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर की पढ़ाई से ही योग अर्थात कनेक्शन जोड़े हुए हैं, डॉक्टर बनाने वाले उस टीचर से ही कनेक्शन जोड़े हुए हैं, उससे वो डॉक्टर बनते हैं उस पढ़ाई से और पढ़ाने वाले के सहयोग से, वैसे यह राजयोग है जिसमें राजाओं का राजा बनना है। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। ये बाबा हम बच्चों को हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट समय प्रति समय स्पष्ट करते रहते। जब ये भूल जाता है तभी हमारे मुख से ये शब्द निकलता है कि उसने क्रोध किया तब मैंने किया, उसने मेरे से गलत व्यवहार किया तब मैंने किया, उसने किया वो अपने कर्म का वो मालिक है, लेकिन आपने किया तो आप अपने कर्म की भोगना आप भोगेंगे। तो बाबा हम बच्चों को रोज बता देते हैं हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। अच्छा अभी सारे बोलने ना शुरू करना, कल भी बाबा का कुछ था ना, और आप बोलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वो चढ़ते हैं। कल था बाबा का स्नेह और भावना की आपकी दो रस्सियां और बाबा का दिल तख्त जो झूले के रूप में आपको मिलता है। आज बाबा सुना रहे हैं दिल पर वो चढ़ते हैं, इस झूले पर चढ़ेगा फिर कौन, और क्वालिफिकेशन चाहिए जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेगा ही। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म इंद्रियों से ध्यान से सुनना सारे महावाक्यों का सार जो लेकर जाना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, तूफान तो आएंगे लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा
सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें, वरदान। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। अब इसका सारांश क्या है? हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ, अर्थात अपनी स्थिति उच्चतम स्थिति पर ले जाओ। सदा अपने सामने, और ये कैसे आएगी, सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। वर्तमान क्या प्राप्ति है और भविष्य कितनी ऊंची प्राप्ति होने वाली है, ये दो बातें सदा याद रखें। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन। अब स्लोगन है, याद रखना, इस बड़े मैदान में, इस बड़े स्थान पर बहुत सी बातें ऊंचे नीचे आ सकती हैं, लेकिन आज का स्लोगन बहुत सहयोग देगा। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति।